जिला ऊना विधानसभा के अंतर्गत आते महतपुर में एक निजी होटल में शिवसेना बाल ठाकरे के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार शेषा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जिला प्रभारी राजीव मनन ने बताया कि इस बैठक का मूल उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता ग्रहण एवं पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए सिखों पर हमले को लेकर किया गया। जिला ऊना विधानसभा के अंतर्गत आते महतपुर के एक निजी होटल में शिवसेना बाल ठाकरे के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार शेषा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जिला प्रभारी राजीव मनन ने बताया कि इस बैठक का मूल उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता ग्रहण एवं पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए सिखों पर हुए हमले को लेकर किया गया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एसटी बसीस ने लगभग 30 युवाओं को सरू पर डालकर शिवसेना बाल ठाकरे की सदस्यता ग्रहण करवाई और कहा कि पाकिस्तान में सिखों पर हमला करके वहां के लोगों की मानसिकता सारी दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस विषय में कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना बाल ठाकरे इस हमले की कड़ी निंदा करती है। वहीं जिला शिवसेना के जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर शेषा ने कहा कि हमने 30 युवाओं को शिवसेना में जोड़ा है। आने वाले समय में पंचायत चुनावों में शिवसेना अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि जिला भर में हम शिवदत्त वशिष्ठ के नेतृत्व में और मजबूती के साथ उतरेंगे ताकि आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में प्रदेश की जनता को कोई तीसरा विकल्प मिल सके। सबसे पहले तो हम अपने जो है कार्यकर्ता को संगठित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रथम प्रयास तो कार्यकर्ता को इकट्ठे करना, उनको पंचायत चुनावों के बारे में जागरूक करना। साथ में हमने जो है निश्चित किया है प्रदेश स्तर पर जिला परिषद ब्लॉक समिति विशेष रूप से हमारा टारगेट रहेगा। हाँ, अगर हमारे कार्यकर्ता ये कहें कि हमने पंचायत के उप प्रधान पंचायत मेंबर चुनाव लड़ने हैं तो उनको भी पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। जी जी, अभी हाल ही में पाकिस्तान में सिखों पर हमला हुआ, वो कल भी एक सिख की जो है मौत हुई है वहां पर, तो इसको लेकर शिवसेना क्या रुख अपनाने जा रही है? इसके लिए सबसे पहले तो मैं जो हमारा पवित्र स्थान गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल ननकाना साहब पर गुरुद्वारे में जो हमला हुआ है उसकी शिवसेना कठोर शब्दों में निंदा करती है और साथ में ये मांग करती है कि भारत सरकार सिर्फ बातों तक किसी न रहे, कम से कम जो हमारे वहाँ पे अल्पसंख्यक चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं जो अल्पसंख्यक हमारे वहाँ बसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए और इस मुद्दे को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक यूरोप तक लेके जाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।